Friends, this is last period for differentiation, revision chapter जो है differentiation, उसके लिए near about ये last period है. Then MCQs will be continued for offline period. सर देख लो क्या ये 12th period है, ये M2 का first chapter है revision, हाँ first chapter differentiation. यहाँ पर रिविजन इज नाउ गोइंग ऑन, यहाँ पर रिविजन शुरू है दोस्तों. देख लो हमें क्या होना, क्वेश्चन क्या है कंपल्सरी, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग. देख लो दोस्तों इसके लिए करो डिफरेंशिएट, हाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. देख लो क्या है डेरिवेटिव, वाई वन है, y का डेरिवेटिव y1, e raise to 8x, cos का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, माइनस साइन 6x प्लस 7, e raise to 8x है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 6x प्लस 7 इंटू 6x का 6, देख लो दोस्तों, देन प्लस क्या है ये cos ऑफ 6x प्लस 7 इंटू e raise to क्या है 8x, 8x का क्या है 8 है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव, क्या है कॉमन दोस्तों देख लो, e raise to 8x कॉमन लो, ये प्लस कॉस है ना, कॉस ऑफ 6x प्लस 7, ये प्लस पहले लिया मैंने, क्या ये इंटू 8, ये माइनस बाद में लो साइन, क्या है 6x प्लस 7 इंटू क्या है दोस्तों ये 6, हाँ यू नो वेरी वेल कॉस साइन है ना, क्रॉस क्रॉस साइन साइन हमारे फार्मूला है प्लस माइनस के लिए, ऐसा होना फार्मूला है यू नो वेरी वेल, क्रॉस क्रॉस साइन साइन का फार्मूला क्रॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा है ना, वो यूज करेंगे हम, उसके लिए क्या होना दोस्तों, फोर्थ जो पार्ट है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, हमने वहां पर देख लिया था क्या है ये, देख लो क्या ये डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, देख लो दोस्तों मल्टीप्लाइंग बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी व्हाट 8 का स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर कितना ये अंडर रूट ऑफ 100, क्या होता है दोस्तों यहां पर देख लो ये y1 इक्वल टू क्या है ये e raise to 8x इनटू क्या है दोस्तों 8x इनटू क्या है ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी व्हाट 100 प्लस इनटू क्या है ये cos ऑफ 6x प्लस 7 इंटू 8/100 यानी 10 माइनस साइन ऑफ 6x प्लस 7 है cos 6x प्लस 7 इंटू 8/10 रूट 100 यानी यू कैन टेक डायरेक्टली क्या है 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड है इंटू 6/10 है, हाँ फिर क्या है दोस्तों ये cos यहाँ पर cos होना ना cos cos साइन साइन वेरी वेल क्या है पुट 8/10 इक्वल टू कॉस अल्फा बोल दो देन साइन अल्फा इक्वल टू यू विल गेट क्या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी व्हाट है ना 64 चले जा रहे क्या ये तुम इसको अगर कॉस बताया तो यू विल गेट साइन डायरेक्टली ले सकते 6/10 फिर क्या है दोस्तों y1 इक्वल टू e raise to 8x इंटू 10 हाँ फिर क्या है ये cos ऑफ 6x प्लस 7 इंटू क्या है ये cos अल्फा माइनस साइन ऑफ 6x प्लस 7 इंटू साइन अल्फा है cos cos साइन साइन यूजिंग हमारा फॉर्मूला दोस्तों यूजिंग cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू कॉस ऑफ क्या है अल्फा प्लस बीटा है ये है तुम्हारे लिए फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यूज करो दोस्तों यहाँ पर देख लो क्या है ये फॉर दिस फॉर्मूला देख लो फॉर दिस फॉर्मूला क्या है देख लो y इक्वल टू 10 इंटू e raise to क्या है 8x इंटू कॉस ऑफ क्या ये 6x प्लस 7 प्लस है अगेन कॉस कॉस अल्फा अल्फा ये है ना ये अल्फा है
अगेन ये वाई वन अगेन डिफरेंशिएट दोस्तों, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर क्या होता है वाई टू के लिए टेन इंटू ई रेस टू एट एक्स है। कॉस का डेरिवेटिव दोस्तों, कॉस का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन सिक्स एक्स प्लस सेवन प्लस अल्फा इंटू सिक्स एक्स का सिक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एल बी सिक्स एक्स का सिक्स है, देन प्लस कॉस ऑफ सिक्स एक्स प्लस सेवन प्लस अल्फा इंटू हाँ ई रेस टू एट एक्स, ई रेस टू एट एक्स, एट एक्स का क्या है दोस्तों एट है, तो ए है हमारे लिए सेकंड डेरिवेटिव। हाँ सेकंड डेरिवेटिव के लिए देख लो दोस्तों, टेन इंटू ई रेस टू एट एक्स कॉमन लो, क्या मिलेगा हमें प्लस कॉस है ना, ये कॉस प्लस है और ये माइनस साइन है, पहले कॉस ले लो सिक्स एक्स प्लस सेवन प्लस अल्फा इंटू एट है माइनस, क्या है दोस्तों सिक्स इंटू क्या है साइन सिक्स एक्स प्लस सेवन प्लस अल्फा, दोस्तों देख लो क्या है सेम है, अगेन यहाँ पर सेम है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो दोस्तों, अगेन यहाँ पर देख लो क्या है ये, और एक बार यहाँ पर क्या है ये वाई टू इक्वल टू टेन, टेन से मल्टीप्लाई टेन से डिवाइड, और एक टेन का क्या होता टेन इंटू ई रेस टू एट एक्स इंटू, और एक बार टेन यहाँ पर यूज किया मैंने टेन से मल्टीप्लाई, अब क्या है देख लो कॉस सिक्स एक्स प्लस सेवन प्लस अल्फा इंटू क्या है दोस्तों क्या है ये एट बाय टेन प्लस क्या है दोस्तों ये माइनस साइन ऑफ सिक्स एक्स प्लस सेवन प्लस अल्फा, ये एन इज क्या है सिक्स है, ये सिक्स के लिए क्या होगा दोस्तों सिक्स बाय टेन है, हाँ एट बाय टेन इक्वल कॉस अल्फा और यानी साइन अल्फा सेम क्या है दोस्तों, यहाँ पर टेन टेन क्या है ये टेन का क्या है स्क्वेयर है, यहाँ पर क्या है दोस्तों फिर ये सिक्स ईयर्स देख लो आप क्या ये क्या आता है सिक्स ईयर्स प्लस सेवन प्लस अल्फा है और एक अल्फा, देन सिक्स ईयर्स प्लस सेवन प्लस क्या है अल्फा इंटू साइन अल्फा है, तो इससे और एक फॉर्मूला यूज करो यहाँ पर, फिर वाई टू क्या मिलेगा हम दोस्तों देख लो y2 इक्वल टू ई रेस टू एट एक्स है, टेन का क्या ये स्क्वेयर, देन क्रॉस कॉस साइन साइन हमारा फॉर्मूला दोस्तों क्रॉस ऑफ सिक्स एक्स प्लस सेवन प्लस अल्फा, अल्फा यानी क्या है और एक ये अल्फा है, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा यानी व्हाट प्लस अगेन अल्फा, यानी कितना हुआ दोस्तों टू अल्फा मिलेगा, देख लो क्या है ये यहां पर एक स्टेप देख लो दोस्तों, यू कैन टेक डायरेक्टली ले सकते तुम वाई टू इक्वल टू ई रेस टू एट एक्स, ये टेन का स्क्वेयर कॉस ऑफ सिक्स एक्स प्लस सेवन प्लस अल्फा अल्फा क्या ये टू अल्फा है, तो इन दिस वे यहां पर है वाई टू, सिमिलरली यू विल गेट क्या मिल रहा है हमें सिमिलरली वही गेट क्या ये क्या है e रेस टू क्या है एट एक्स है इंटू टेन का टू के लिए टू है वन के लिए वन था अभी एन के लिए रेस टू एन, फिर कॉस ऑफ सिक्स एक्स प्लस सेवन प्लस टू अल्फा यानी यहां पर दोस्तों एन अल्फा, तो ये है हमारे लिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई टू, ये टेक डाउन ले लो। तो ये है दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स फॉर पीरियड नंबर थर्टी के लिए, हाँ देन ये है नेक्स्ट सेवंथ देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवन सेम सेम क्वेश्चन नंबर सेवन देख लो दोस्तों, हाँ सेम फॉर्म में एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए दोस्तों, हाँ क्वेश्चन नंबर सेवन हाँ सेम टाइप में एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क भी है दोस्तों, हाँ सेम टाइप के क्वेश्चंस विल बी फॉर यू, अब एक और एक देख क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन देख लो क्या है स्टैंडर्ड क्वेश्चन देख लो दोस्तों, हाँ हाँ फॉर स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर ये सेवन के लिए दोस्तों, वो सिक्स नंबर था
देख लो थोड़ा वो करेक्शन होना था नंबर में 6-1 देख लो ये 7-1 y equal to areas to 8x into cos of bx plus c देख लो दोस्तों बहुत इजी बहुत सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा लेनी है कुछ भी नहीं ये इनटू भी क्या है हमारा डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सेम वन दोस्तों क्या है y equal to first as it is second का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव यू नो वेरी वेल माइनस साइन बी एक्स प्लस सी ई रेस टू ए एक्स है cos का डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स प्लस सी इंटू बी एक्स का b प्लस cos ऑफ बी एक्स प्लस सी बी एक्स प्लस सी इंटू ई रेस टू ए एक्स ए एक्स का a ए एक्स का डेरिवेटिव एक है ई रेस टू ए एक्स कॉमन हो दोस्तों क्या है ये प्लस है ना मैं पहले ढूंढा cos ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू ए ये माइनस माइनस क्या है दोस्तों साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू बी कुछ भी नहीं मैंने ये जो cos प्लस था ना उसको पहले लिया है ये प्लस प्लस जो प्लस क्या है फर्स्ट और ये माइनस सेकंड माइनस जो है ना वो सेकंड है दूसरी बात क्या है हाँ देन यू नो cos क्या होना cos cos साइन साइन होना cos के लिए तो फिर यहां पर क्या होना साइन होना उसके लिए कैसा है मालूम है ना फोर्थ पार्ट का मेथड हमारा डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई देखो दोस्तों मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ क्या है ये ए स्क्वेयर है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर फिर वाई कोड क्या है मेरे पास ई रेस टू ए एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है देखो देन कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू बी बाय अंडर रूट ऑफ क्या है दोस्तों ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है अगेन क्रॉस क्रॉस तो ये क्रॉस होना दोस्तों क्या बोलना पुट कंपल्सरी क्रॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बोल दो क्रॉस क्रॉस कंपल्सरी यू नो वेरी वेल साइन साइन अल्फा एन ए वॉट अंडर रूट ऑफ वन माइनस क्रॉस स्क्वेयर कंपल्सरी मिलेगा हमें साइन अल्फा इक्वल टू क्या है बी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये सिंपल टेक्निक है हम सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए तुम सॉल्व कर सकते हैं तुम सॉल्व करके देख लो क्रॉस अल्फा इक्वल टू दिस वन साइन अल्फा एन ए वॉट अंडर रूट ऑफ वन माइनस क्रॉस स्क्वेयर ये मिलेगा तुम्हें दोस्तों y equal to e raise to ax under root of a square plus b square क्या ये cos of bx plus c into cos alpha minus sin of क्या है दोस्तों bx plus c into sin alpha है क्या है फार्मूला हमारे पास दोस्तों ये cos cos sin sin दोनों फार्मूला क्या है ये cos alpha into cos beta minus sin alpha into sin beta यानी what cos of alpha plus beta है ये है तुम्हारे लिए cos alpha plus beta next again क्या होता है देख लो ये y equal to e raise to ax into under root of a square plus b square है फिर क्या मिलेगा हमें cos of bx plus c into सॉरी यार बी एक्स प्लस सी है ये एंगल पहला क्या है बी एक्स प्लस सी प्लस क्या है ये अल्फा और ये बीटा यानी प्लस अल्फा है ये है तुम्हारे लिए वाई वन दोस्तों ये डेरिवेटिव पहला डेरिवेटिव है यानी वाई वन है ये फर्स्ट डेरिवेटिव यानी वाई वन अगेन डिफरेंशिएट कर लो दोस्तों अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई टू दोस्तों ये कॉन्स्टेंट एज इट इज है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये कॉन्स्टेंट एज इट इज दोस्तों हाँ फर्स्ट एज इट इज देन सेकंड का डेरिवेटिव कॉस ऑफ है कॉस का डेरिवेटिव नो वेरी वेल कॉस का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा बी एक्स का क्या है बी प्लस हाँ देन सेकंड एज इट इज दोस्तों
बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा इंटू क्या है ये फर्स्ट यानी ई रेस टू क्या है ए एक्स, ए एक्स का क्या है ए, ये है तुम्हारे लिए सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है मेरे पास ई रेस टू ए एक्स बाहर दिया मैंने अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये प्लस है ना मैं यहां पर लूंगा दोस्तों cos ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा इंटू क्या है मेरे पास ए, ये माइनस ये यहां पर माइनस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस क्या है अल्फा है, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा इंटू क्या है ये बी है, तो ये cos है ना इंटू ए cos इंटू ए माइनस साइन इंटू बी है ना, तो अगेन क्या है दोस्तों ए और बी है ना ये हमारा फोर्थ पार्ट में है, अरे ये cos cos sin sin होना तो a और ये b है ना मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी पहले मेरे पास एक था ना मैंने और एक बार मल्टीप्लाई किया यानी ये स्क्वायर हुआ दोस्तों, फिर क्या है मेरे पास ये प्लस c प्लस क्या है अल्फा है, यहां पर भी दोस्तों प्लस c प्लस अल्फा है, देख लो cos cos bx समझ में आ रहा था, देख लो दोस्तों आप cos ऑफ bx प्लस c प्लस अल्फा क्या है a, ये क्या है दोस्तों sin ऑफ bx प्लस c प्लस अल्फा क्या है ये b है, यानी cos है ये cos, अब क्या ले जाएंगे cos cos sin sin होना ना दोस्तों, फिर ये सेम एनिटी क्या है यहां पर क्या है ये प्लस सी प्लस क्या है अल्फा, और यहां पर भी ले लो दोस्तों प्लस सी प्लस अल्फा है, कॉस बी एस प्लस सी प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन बी एस प्लस सी प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा है, कॉस कॉस साइन साइन है ना, ये कॉस कॉस साइन साइन यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा, अगेन देख लो दोस्तों क्या है यहां पर क्या है ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इसका पावर क्या है दोस्तों टू है ना, y टू के लिए आओ क्या ये cos ऑफ क्या है बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, ये अल्फा और एक अल्फा यानी व्हाट प्लस टू अल्फा है, तो इन दिस वे यू कैन टेक यहां पर डायरेक्टली ले सकते दोस्तों आप, तो ये हुआ देख लो क्या ये हाँ सिमिलरली यानी टेकिंग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सिमिलरली वी गेट क्या है ऑन टेकिंग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाई एन इक्वल टू ई रेस टू क्या है ए एक्स, ये क्या है दोस्तों रूट रूट यानी समझ में आता ना ये रूट यानी व्हाट रूट यानी टू बाई टू है ना, ये टू है ये क्या है स्क्वायर टू बाई टू, अब यहां पर कितना पावर है दोस्तों ये ना है यानी व्हाट ए एक्स प्लस बी रेस टू व्हाट एन बाई, ये रूट कंपल्सरी रूट यानी वन बाय टू कंपल्सरी है, अब क्या है एन ये टू के लिए ऊपर दो नीचे तो हाफ कंपल्सरी है, ये टू के लिए ऊपर दो नीचे हाफ कंपल्सरी, ये एन के लिए ऊपर या नीचे हाफ कंपल्सरी, देन क्रॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस ये टू के लिए टू अल्फा वन के लिए वन अल्फा था एन के लिए दोस्तों एन अल्फा, तो ये है यंथ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जो है प्रॉब्लम तुम्हारे लिए ये यंथ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये है तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स, देन ये हुआ प्रॉब्लम नंबर सेवन, प्रॉब्लम नंबर सेवन था दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन देख लो प्रॉब्लम नंबर एट, प्रॉब्लम नंबर एट छोटा सा क्वेश्चन है बहुत इजी है देख लो, दोनों पीरियड के लिए तुम्हारे लिए थ्री क्वेश्चन फॉर होमवर्क दोस्तों, आप देख लो क्वेश्चन बहुत इजी है तुम ट्राई करो हाँ, अगर प्रॉब्लम आया कुछ सॉल्व नहीं हुआ तो कॉल करो आई विल प्रोवाइड यू स्पेशल सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई यूर सेल्फ दोस्तों, एट्थ नंबर क्वेश्चन, एट्थ नंबर क्वेश्चन देख लो लेट वाई टू क्या है लॉट ऑफ टू एक्स प्लस सी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये टाइप्स में सिमिलर यानी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं,
हाँ देखो क्या है ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है y इक्वल टू लॉट ऑफ 2x प्लस 3 इसको मैंने डिफरेंशिएट किया है dy by dx क्या ये dy by dx इक्वल क्या है ये log का डेरिवेटिव 1 by 2x प्लस 3 2x का 2 है log का डेरिवेटिव 1 by 2x प्लस 3 2x का 2 देन अगेन यू कैन टेक हियर y 1 ले दोस्तों हां अगेन डिफरेंशिएट Again, differentiate with respect to x. And what? Y2 dx, d2x, d2y, by dx square. Hai. Y1 ka y2 or dy ka d1y. And what? Here, d2y by dx square. Hai. Equal to minus 1 by 2x plus 3 whole square. Kya hai? 1 by. 1 by ke liye kya dosto? Minus 1 by iska square. Equal into 2 का डेरिवेटिव है क्या ये 2x का डेरिवेटिव 2 है ये पहले ऑलरेडी 2 यहां पर एज इज ये 2x का डेरिवेटिव 2 है तो इन दिस वे हम यहां पर माइनस 1 ये 2x प्लस 3 रेस टू क्या है ये ऊपर जाके माइनस 2 और ये 2 का पावर कितना है दोस्तों 2 ऐसा ले सकते हैं देन और एक बार डिफरेंशिएट करो दोस्तों अगेन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है y3 है y3 y2 के लिए y3 इक्वल टू क्या है ये माइनस 1 माइनस 2 आगे लो दोस्तों x से कम करो 2x प्लस 3 रेस टू इतना है माइनस 3 अब ये 2x का और एक 2 आता है दोस्तों 2x का डेरिवेटिव 2 तो इन दिस वे यहां पर हमारे लिए दोस्तों देख लो क्या है ये हाँ केयरफुली ईच एंड एवरी स्टेप देख लो दोस्तों y3 के लिए क्या माइनस 1 माइनस 2 है ये क्या है बाय 2x प्लस 3 का पावर कितना है 3 है ये 2 का कितना पावर है 3 है है तो इन दिस वे ये इन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आफ्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वही गेट देख लो दोस्तों क्या है y3 के लिए y माइनस 3 के लिए माइनस 2 टाइम है 2 के लिए माइनस 1 की 1 टाइम है यानी n के लिए माइनस 1 का साइन माइनस 1 रेस टू n माइनस 1 है ये 3 के लिए माइनस साइन दो बार है देन 1 के लिए माइनस साइन क्या था ओनली वन बार था दोस्तों 1 के लिए डेरिवेटिव क्या था 1 के लिए ये 1 के लिए देख लो दोस्तों ये माइनस 1 ये माइनस 2 आगे आने के बाद देख लो क्या ये पावर जो है ना 1 बाय x जो था उसका ये ऐसा आया देखो और 2 के लिए माइनस 1 था ना अब ये 3 के लिए माइनस 2 टाइम्स है फिर n के लिए n माइनस 1 n 1 इंटू 2 ये 3 के लिए 2 के लिए ओनली 1 है ना 4 के लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू है ना 1 इंटू 2 इंटू 3 है ना इन दिस वे ये है दोस्तों ये 3 है तो यहां पर 1 इंटू 2 है फिर यहां पर आऊंगी n यानी व्हाट n माइनस 1 फैक्टोरियल देखो दोस्तों यहां पर 3 है ना यहां पर 2 है 2 इंटू 1 तो यहां पर n है तो फिर एक कम यानी n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 रेस टू 3 के लिए 3 ये 3 बाय 2x प्लस 3 रेस टू 3 के लिए 3 2 के लिए 2 फिर दोस्तों यहां पर n के लिए n इन दिस वे हियर वी हैव कंप्लीटेड nth डेरिवेटिव ऑफ दिस चैप्टर यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का ये है लास्ट क्वेश्चन ये आर होमवर्क फॉर यू देन वन क्वेश्चन आई विल प्रोवाइड यू अ सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन थैंक यू